एक्शन। बड़ा उदास बैठे हैं, अंदरे चल के बतियाएं का। उदास नहीं, पिनके हुए। पिनका हुआ आदमी को छेड़ने का मतलब है ओखली में सर डालने के बराबर। अरे हमको तुमसे थोड़ी ना पिनपिनाए हुए होंगे, वो पेशेंट नहीं आए इसलिए पिनपिनाए हैं। पिनका हुआ आदमी ना गरम लोहा के समान होता है, उसको छुइएगा तो हाथ जल जाएगा। अब गरम लोहा को थोड़ा ना पता है कि उसको छूने वाला नहीं चूल्हा गरम किया है, और इस बात का ज्ञान जो है हमको बचपने में हो गया। कैसे? जब हम बच्चे थे ना, मतलब 6-7 साल के रहे होंगे, तब जो है पापा 1 महीना के लिए जो है सस्पेंड हो गए। अब कामकाजी आदमी घर पे बैठे तो उसको मन तो लगेगा नहीं। पापा क्या किए, जो बिस्मोहन साह के सामने वाला जमीन है उसमें रोक दिए भिंडी। अब भिंडी का सेवा हुआ तो भिंडी लहलहा गया। अब लहलहाया भिंडी को देखकर मम्मी हो गई एकदम प्रसन्नचित। उसके बाद भिंडी जो है खाने के प्लेट में आलू की तरह एंट्री मारा। मतलब सवेरे रोटी या भिंडी का भुजिया, दोपहर में दाल भात भिंडी का भुजिया, रात में रोटी और भिंडी का सब्जी। अब जो है मम्मी जितना भिंडी निपटाती पापा उतना भिंडी तोड़ के ले आते। अब जो है मम्मी को हो गया भिंडी से नफरत, उधर पापा का भिंडी प्रेम एकदम चरम पे। मतलब पुटानी भैया हम बता रहे हैं कि पापा को जब हम भिंडी धोते हुए देखते ना तो हमको ईर्ष्या हो। मतलब इतना स्नेह से तो कभी वो हमको अपने बेटा को नहीं नहलाए। खैर ये भिंडी फेस्टिवल जो था ये चला 4-5 दिन घर के अंदर। उसके बाद जो है मम्मी गई तमतमा, वो किचन से सारा भिंडी उठाई और पापा के सामने लाके पटक, बोले कि या तो ये भिंडी को तो है आप भैंसिया को खिला दीजिए, नहीं तो हमारा मीरगंज का टिकट करा दीजिए। मीरगंज और ननिहाल आम खाने तो गए थे आप। खैर अब पापा जो है वो पड़ गए असमंजस में कि पुत्र समान भिंडी को वो कैसे भैंसिया को खिला दे। तो क्या किए कि मम्मी को बोले कि हम जो है ये भिंडी जो है हम बाजार में बेच के आते हैं, और बोरा सामने पड़ा हुआ था, पापा जो है वो बोरा में भिंडी भरे और माथा पे ला दे चल दिए बाजार के तरफ। कुछ 1 घंटा बीता होगा, पता नहीं भैया मम्मी जो है हमको 20 रुपया दी और बोले कि जाओ बाजार से बैगन लेके आओ, आज रात में बैगन आलू खाया जाएगा। और हम भी एकदम भिंडी खाखा के हंसा गए थे, तो हम भी जो बालक मन है उछलते कूदते पैसा लिए और बाजार पहुंच गए। बाजार जो हम घुसे हैं पुताने भैया, तो हम देखते क्या है कि पापा का जो बोरा भर भिंडी है वो जस के तस रखा हुआ है। मजाल है कि एक भिंडी बिकाओ। अब हम लेने तो गए थे बैगन, पर किसी आदमी का बोनी तक नहीं हुआ है, अब उसके सामने हम बैगन खरीदते तो कैसा लगता। तो हमारा बालक मन, हम जो है वो 20 रुपया लेके गए पापा के पास और पापा को बोले कि पापा 20 रुपए का भिंडी दे दीजिए। ओ जी ओ राजा, फिर तो रो दिए होंगे सुरेश चाचा। नहीं रो दिए, अरे रुला दिए। पिनकल बैठे थे, पूरा बाजार के सामने हमारा कान पकड़ के ऐसा सूते कि जैसे पूरे बाजार को हम ही मना कर दिए थे कि इनका भिंडी मत खरीदो। तब से पता नहीं भैया हमको एक बहुत बड़ा सीख मिल गया कि जो पिनकल आदमी को है उसको छेड़ने का ही नहीं। आपको भी एडवाइस दे रहे हैं, दूर रहिए इनसे। हमको लगता है आधा घंटा को भवन में बैठेंगे, लगता है चल के पप्पू के यहाँ चाय पिया जाए। चलो हो, सुने हैं कि पटना से बिस्कुट भी लेके आ गए। क्या बात कर रहा हूँ।